नमस्ते ऑल ऑफ यू। मैं कृष्णा लेस्टर के शांतिधाम के योग सेशन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलिए आज हम शुरू करेंगे। इससे पहले, अभ्यास शुरू करने से पहले, उस ईश्वरीय चेतना का स्मरण करें जिनकी कृपा से हमारा जीवन आगे बढ़ रहा है। उसके लिए 3 बार दीर्घ ओम का उच्चार करेंगे। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रख लीजिए। कमर गर्दन सीधी, आंखें सहजता से बंद। एक बार गायत्री महामंत्र का उच्चार करेंगे एक साथ एक स्वर में। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदया। मसाज योर फेस, रिलीज एंड रिलैक्स। आज का अभ्यास शुरू करेंगे कपालभाति से। दोनों हाथ मेज पर रख ले, आंखें सहजता से बंद करें, कमर गर्दन सीधी। कपालभाति का अभ्यास करेंगे कंटिन्यू 5 मिनट। जिनको हाई बीपी, हरेनिया है, माइग्रेन है और स्टमक की लगती कोई भी प्रॉब्लम है, वो कपालभाति नहीं करेंगे, वो अनुलोम विलोम का अभ्यास करेंगे। शुरू करें कपालभाति, स्टार्ट। लास्ट 1 मिनट कंटिन्यू करेंगे। Yeah.
डीप इनहेल, चिन टू चेस्ट लॉक करे, बीट को अंदर ही होल्ड करे अपनी पूरी क्षमता अनुसार। रिलैक्स, वंस अगेन डीप इनहेल, चिन टू चेस्ट लॉक, ब्रीथ को होल्ड करें अंदर ही, रिलैक्स, धीरे से अपनी आंखें खोलें। आज के अभ्यास के लिए खड़े हो जाएं, सभी लोग खड़े हो जाएं आज के अभ्यास के लिए। दोनों पैर साथ में, दोनों हाथ अपनी कमर पे। ग्रीवा संचालन का अभ्यास करेंगे। फर्स्टली इनहेल करते हुए नेक अप, एक्सहेल करते हुए नेक डाउन। खड़े हो जाएं और अपने कैमरे को ऑन रखें प्लीज सभी लोग। 1, 2, inhale up, exhale down. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Sideways करेंगे, next. Sideways stretch, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Circle करेंगे, inhale up. Exhale, other side down. 1. सोफे के ऊपर बैठ जाइए, कविता जी नीचे मत बैठिए, चेयर पे या सोफे पे बैठिए। 2. जिनको वर्टिगो का प्रॉब्लम है वो सर्कल नहीं करेंगे। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. रिवर्स करेंगे, इनहेल एंटी क्लॉकवाइज, एक्सहेल डाउन। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Relax. Look up. Stretch your mouth like a fish. Stretch your mouth and pout. 1, 2, maximum stretch. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rub your hands. Massage your throat upward. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. हैंड रोटेशन करेंगे, फुल हैंड। इनहेल करते हुए दोनों हाथों को सामने से लेके ऊपर और पीछे की तरफ लेके जाना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
नाइन एंड टेन। रिवर्स करेंगे, इनहेल एक्सहेल, वन इनहेल एक्सहेल के साथ करेंगे, टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन एंड टेन। रिलैक्स करेंगे, अगले अभ्यास के लिए खड़े हो जाएं। अगले अभ्यास के लिए दोनों पैरों को ए शेप में रखेंगे, दोनों हाथ कमर पे, दोनों पैरों को ए शेप में। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप जागरूक मैम को देख लीजिए, दोनों पैर के आपके जो टो है बिग टोज उसको टच करके हील को ओपन करना है ए शेप। जागृति मैम को देखिए, यस ए शेप में दोनों हाथ कमर पे, आगे से दोनों टो टच रखे, पीछे से हील को ओपन करें, टो टच ही रहने चाहिए दोनों हाथ कमर पे। इनहेल करते हुए हील को ऊपर उठाना है, एक्सहेल करते हुए नीचे। जब भी आप हील को ऊपर उठाते हैं तो आपके टो खुलने नहीं चाहिए, टच ही रहने चाहिए, ठीक है। स्टार्ट करेंगे, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। क्षमता के अनुसार करें, 11 दोनों टो टच ही रहने चाहिए, 12 पैरों के मसल्स बहुत ही अच्छे से स्ट्रेंथ होते हैं, 13 सभी मसल्स स्ट्रेंथ होते हैं, 15 16 17 18 19 एंड 20। रिलैक्स, रिलीज। अगले अभ्यास के लिए दोनों पैरों को आगे से खोल दीजिए, पीछे से हील टच रहेगा। जागृति मैम को देखिए, अगर समझ में नहीं आ रहा है, पीछे से हील टच रहेगा, आगे से खोलना है वी शेप में, पैरों के पंजे वी शेप में। आज के जो लेग्स के सभी अभ्यास है उससे आपकी लेग्स की स्ट्रेंथ बढ़ती है, और जो काफ मसल्स और सभी मसल्स पे स्ट्रेंथ बढ़ती है, प्रेशर आता है, स्ट्रेच होते हैं, तो उसका इफेक्ट आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पे होता है, इम्यूनिटी बूस्ट होती है, डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपर से होता है। तो आज के सभी जो अभ्यास है लेग के, वो आपके लेग्स के लिए, जिसको नी पेन है, सभी के लिए बहुत अच्छे हैं। तो हील को टच करें, वी शेप में पंजे खोलें, सेम करना है, इनहेल करते हुए हील को ऊपर उठाएंगे, एक्सहेल करते हुए डाउन, हील टच रहनी चाहिए, कोशिश करें हील टच रहे। स्टार्ट करेंगे, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, वन, हील टच रखने की कोशिश करें, पीछे से ऊपर उठते हैं तभी खोले नहीं, टू थ्री, हील को टच रखना है, फोर फाइव, हील टच रखे, कोशिश करें भले थोड़े उठे, सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व, मैक्सिमम ऊपर उठाने की कोशिश करेंगे धीरे से, 13 हील टच ही रहेगा, 14 15 16 17 18
19 and 20. Relax. दोनों पैर साथ में रखें, दोनों पैर साथ में. इनहेल करते हुए हिल अप नॉर्मल, एक्सहेल करते हुए हिल डाउन. इनहेल अप, एक्सहेल डाउन. 1, 2, 3. एंकल की स्ट्रेंथ बढ़ाता है, नी की स्ट्रेंथ, काफ मसल, सभी पैरों के सभी मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़ती है. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, and 20. Release. एंड रिलैक्स. अगले अभ्यास के लिए तैयार हो. अगले अभ्यास के लिए वॉल सपोर्ट लेना है. एक हाथ वॉल के ऊपर, जागृति मैम को देखें, दूसरा हाथ कमर पे, दोनों पैर आपके साथ में रहेंगे. पोजीशन लीजिए. इनहेल करते हुए जो आपका बाहर वाला लेग है उसको पीछे की तरफ अप करना है, और एक्सहेल करते हुए नीचे आगे नहीं लेके जाना है, जहां आपका लेग था वहीं पे वापस लगना है, आगे लेग को लेके नहीं जाना है. ठीक है, इनहेल करते हुए पीछे लेके जाएंगे जितना होता है, एक्सहेल करते हुए साथ में लाएंगे. 1, 2, वॉल सपोर्ट से करें. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Relax. Change side, change करेंगे. दूसरी side turn हो जाए. एक हाथ ball पे, दूसरा हाथ कमर पे. Inhale करते हुए leg को पीछे की तरफ. 1, 2. नी स्ट्रेट रहेगा. 3, 4, 5. आपका अपर थाई मसल स्ट्रेच होगा. 6, 7. हिप पे प्रेशर आएगा. 8, 9, and 10. रिलीज एंड रिलैक्स. लेग चेंज करें, साइड चेंज करें. इनहेल करते हुए लेग को साइडवेज अप करना है, एक्सहेल करते हुए नीचे लाना है. देख लीजिए जागृति मैम को एक बार पहले. साइडवेज अप करना है और नीचे लाना है. ठीक है, एक्सहेल करते हुए स्टार्ट करेंगे. इनहेल अप, एक्सहेल डाउन. 1, 2. नी स्ट्रेट रहेगी, नी को बेंड नहीं करेंगे, जितना होता है क्षमता के अनुसार करें. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. रिलीज. साइड चेंज करें. इनहेल अप, एक्सहेल डाउन. 1, 2, knee straight. 3, 4, 5, 6, 7, 8,
एंड टेन. रिलीज, रिलैक्स. लाइट चेंज करेंगे. इनहेल करते हुए लेग से सर्कल बनाना है. जितना होता है बिग सर्कल. नी स्ट्रेट रहेगा, नी को बेंड करके सर्कल नहीं बनाना है. आपकी क्षमता के अनुसार नी स्ट्रेट ही रहेगा. इनहेल करते हुए नी को आप ऊपर से ले ले सर्कल बनाए. एक्सहेल करते हुए डाउन. स्टार्ट करेंगे. यस. वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन एंड टेन. रिवर्स करेंगे इसी लेग से. एंटी क्लॉकवाइज रिवर्स. इनहेल एक्सहेल स्टार्ट. वन रिवर्स. टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन एंड टेन. रिलैक्स करें. दूसरे लेग से इसी अभ्यास को करेंगे. इनहेल स्टार्ट सर्कल. वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन एंड टेन. रिलैक्स. रिवर्स करेंगे इसी लेग से. वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन एंड टेन. रिलैक्स करें. रिलैक्स. अगले अभ्यास के लिए तैयार हो. दोनों हाथ कमर पे. हिप रोटेशन करेंगे. दोनों पैर में हिप के लेवल डिस्टेंस. हिप लेवल डिस्टेंस दोनों पैर में. दोनों हाथ कमर पे. इनहेल करते हुए हिप को आगे की तरफ करें. एक्सहेल करते हुए पीछे. बिग सर्कल बनाए हिप से. वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन एंड टेन. रिवर्स करेंगे. इनहेल एक्सहेल. क्षमता के अनुसार करें. बिग सर्कल बनाने की कोशिश करें. टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन एंड टेन. रिलीज करें. अगले अभ्यास के लिए श्वेत गरुड़ासन का अभ्यास करेंगे. अगला अभ्यास श्वेत गरुड़ासन. दोनों पैर में डिस्टेंस मेंटेन रहेगा. हिप लेवल डिस्टेंस. दोनों हाथ इनहेल करते हुए शोल्डर लेवल लेके जाएं. एक्सहेल करते हुए कमर को 90 डिग्री नीचे फोवर बेंड करें. 90 डिग्री. नी स्ट्रेट रखें. हिप को पीछे की तरफ पुश नहीं करना है. वन. साइड से देख लीजिए जागृति मैम को. हिप आपका आगे पुश करना है, पीछे पुश नहीं करना है. ठीक है, जागृति मैम का पोस्चर देख लीजिए. वन टू इनहेल एक्सहेल. थ्री हिप लेवल डिस्टेंस दोनों पैर में. फोर फाइव सिक्स सेवन एट
नाइन टेन, इनहेल अप, और एक बार इसी अभ्यास को करेंगे। इसमें आपके पूरे हैमस्ट्रिंग मसल, साफ मसल स्ट्रेच होंगे। इनहेल हैंड शोल्डर लेवल, एक्सहेल एब्स इन फोर बेंड 90 डिग्री, लोअर बैक से नीचे जाना है, सामने देखना है, सामने की ओर देखेंगे, नीचे नहीं देखेंगे, झुकेंगे नीचे, गर्दन को नहीं झुकाएंगे, सामने। वन टू थ्री, लंग्स कैपेसिटी बढ़ती है इसमें, फोर लंग्स चेस्ट कैपेसिटी बढ़ती है, फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, कंटिन्यू करेंगे, टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवेंटीन एटीन नाइनटीन एंड ट्वेंटी, इनहेल अप एंड रिलैक्स। अगले अभ्यास के लिए तैयार हो। अगले अभ्यास के लिए दोनों पैर में शोल्डर लेवल डिस्टेंस करें, शोल्डर लेवल डिस्टेंस। आपका राइट हैंड राइट हिप के ऊपर पीछे, राइट हैंड राइट हिप के ऊपर, लेफ्ट हैंड इनहेल करते हुए बैक बेंड करना है, लोअर बैक से बैक बेंड, इनहेल जितना होता है क्षमता के अनुसार लोअर बैक से बैक बेंड करें। कमर दर्द के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। वन अपनी क्षमता के अनुसार करें लोअर बैक से, टू इनहेल एक्सहेल चालू, थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, इनहेल अप, चेंज करेंगे दूसरे हाथ से साइड चेंज, हिप पर रखें, इनहेल करते हुए ऊपर उठे, बैक बेंड करें, आपका ऊपर वाला हाथ कान को टच, आर्म्स कान को टच रहना चाहिए जितना होता है, वन वेरी गुड, टू गुड, थ्री फोर कमर दर्द के लिए बहुत ही अच्छा है, फाइव सिक्स चेस्ट लंग्स कैपेसिटी बढ़ती है, इम्यूनिटी बढ़ती है, सेवन एट नाइन टेन, इनहेल समाप्त, इनहेल करते हुए दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे, ऊर्ध्व हस्तासन का अभ्यास करेंगे, इनहेल दोनों हाथ ऊपर, आपके दोनों आर्म कान को टच रहेंगे, एक्सहेल बैक बेंड, बैक बेंड कीजिए जितना होता है लोअर बैक से, वन क्षमता अनुसार हाथ कान को टच रहेंगे, टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, इनहेल समाप्त, दोनों हाथ आपके कमर पे वेस्ट पे रख दीजिए, इनहेल एक्सहेल करते हुए 90 डिग्री फोर बैंड करेंगे, 90 डिग्री फोर बैंड, इनहेल एक्सहेल डाउन, पेट को अंदर खींचे, नी स्ट्रेट रखे, नीचे जाए 90 डिग्री, सामने देखे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन एंड टेन, इनहेल अप एंड रिलैक्स। अगले अभ्यास के लिए तैयार हो। अगले अभ्यास के लिए दोनों पैर में 3 से 4 फीट का गैप कर लीजिए, दोनों पैर में 3 से 4 फीट का गैप, पैर के पंजे सामने की ओर रहेंगे, गैप दोनों फीट के बीच में 3 से 4 फीट का गैप कर लें, पंजे सामने की ओर रहेंगे, टोज सामने की ओर, लेफ्ट टो को लेफ्ट फुट को लेफ्ट साइड 90 डिग्री टर्न करें, लेफ्ट फुट 90 डिग्री टर्न करें, राइट लेग के फुट को 30 डिग्री इनसाइड, आपके दोनों हील एक ही लाइन में होने चाहिए, चेक कर लीजिए दोनों हील एक ही लाइन में होने चाहिए, दोनों हाथ कमर पे रखें, इनहेल एक्सहेल करते हुए कमर को लेफ्ट साइड टर्न करें, ट्विस्ट करें, लेफ्ट साइड आपके टो की साइड, लेफ्ट साइड आपने 90 डिग्री टो किया है, यस वहां पे, ठीक है,
इनहेल करेंगे, एक्सहेल करते हुए लेफ्ट नी को बेंड करेंगे 90 डिग्री, लेफ्ट नी 90 डिग्री बेंड, होल्ड करें यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, आपका थाई फ्लोर से पैरेलल रहेगा, नीचे जाए हिप को नीचे, 7 नीचे बैठे हिप को नीचे, 8 9 10 इनहेल अप, ऊपर आए, साइड चेंज करें, टो चेंज करें, राइट लेग 90 डिग्री, लेफ्ट 30 डिग्री इनसाइड, दोनों हील वन लाइन, राइट लेग का टो 90 डिग्री होना चाहिए सामने की ओर, दोनों हाथ कमर पे, इनहेल एक्सहेल करते हुए ट्विस्ट करें कमर से सामने की ओर राइट साइड, इनहेल करें, एक्सहेल करते हुए नी को नीचे लेके जाएं, बेंड करें 90 डिग्री, आपका स्विंग 90 डिग्री रहना चाहिए, थाई फ्लोर से पैरेलल, हिप को नीचे पुश करें, दोनों पैर में इक्वल प्रेशर डालें, 1 2 नी बेंड कीजिए, 3 इक्वल प्रेशर दोनों, 4 5 हिप डाउन, 6 7 8 9 10, inhale, stop, left toe, again 90 degree, left toe 90 degree, right 30 degree inside, दोनों हाथ आपका अपर बॉडी सामने की ओर रहेगा, इनहेल करते हुए दोनों हाथ शोल्डर लेवल आए, कविता जी घूम जाइए, साइडवेज हो जाइए, आपका पोस्चर रॉन्ग है, कविता जी साइडवेज हो जाइए, पोस्चर रॉन्ग है आपका, साइड में हो जाइए, इनहेल करते हुए दोनों हाथ शोल्डर लेवल, एक्सहेल करते हुए लेफ्ट नी को बैंड करना है, लेफ्ट नी बैंड, सामने देखना है, सामने आपका अपर बॉडी सामने की ओर रहेगा और आपकी दृष्टि आपके लेफ्ट हैंड के मिडल फिंगर पे रहेगी, दृष्टि आपकी लेफ्ट हैंड के मिडल फिंगर पे देखना है, अपर बॉडी आपका चेस्ट सामने की ओर, टर्न नहीं करना है, नी 90 डिग्री डाउन, शिन को 90 डिग्री रखिए, अगले आगे वाले लेग 90 डिग्री रहेगा, हिप नीचे की तरफ पुश करें, थाई को फ्लोर पे पैरेलल लेके जाएं, 1 आपका क्वाड्रिसेप्स मसल है, उस टेंशन होता है, स्ट्रेच होता है, 2 3 हैमस्ट्रिंग मसल्स हैंड, 4 5 6 पीछे वाला नी स्ट्रेट रहेगा, 7 8 9 10 इनहेल अप, एक्सहेल लेग चेंज, राइट टो 90 डिग्री, लेफ्ट 30 डिग्री इनसाइड, दोनों हाथ शोल्डर लेवल, चेस्ट सामने की ओर, इनहेल एक्सहेल करते हुए राइट नी बैंड, लुक राइट साइड, राइट हैंड के मिडल फिंगर को देखना है, नीचे जाए और नीचे हिप को नीचे पुश करें, लेग में डिस्टेंस बढ़ाए थोड़ा, 1 लेग में थोड़ा डिस्टेंस बढ़ाए और नीचे जाए, 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 इनहेल कम अप, रिलैक्स करें, रिलैक्स करें, अपनी मैट के ऊपर बैठ जाए अगले अभ्यास के लिए, अगले अभ्यास के लिए मैट के ऊपर बैठे, आप नीचे अगर नहीं बैठ सकते तो सोफे के ऊपर बैठ सकते हैं चलेगा, नीचे बैठ सकते हैं तो नीचे बैठे, नहीं तो सोफे के ऊपर बैठे, ठीक है, दोनों लेग सामने की ओर दंडासन में बैठेंगे, दोनों लेग सामने की ओर दंडासन में बैठेंगे, पोजीशन ले अपनी दंडासन में, अपनी दोनों हाथों से मुट्ठी बनाएं और अपने नीज के नीचे, दोनों नीज के नीचे मुट्ठी को रखें, नीज के नीचे रखें मुट्ठी को, मुट्ठी बनाएं और नीज, नीज के नीचे, दोनों नीज के नीचे रखें, बैक स्ट्रेट रहेगा, टो स्ट्रेच रहेंगे आगे की तरफ, इनहेल करते हुए नी को टाइट करें, टो को अपनी ओर खींचे, एक्सहेल करते हुए रिलैक्स करें,
इनहेल, नी को टाइट करें, टो को अपनी ओर खींचे, एक्सहेल करते हुए टो स्ट्रेच करें आगे की तरफ, रिलैक्स करें। स्टार्ट करेंगे, इनहेल टाइट, वन टू, अपनी क्षमता के अनुसार मैक्सिमम टाइट करने की कोशिश करें, नी के लिए आपकी जो लिगामेंट्स है उसके लिए बहुत ही अच्छा है। थ्री फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन, मैक्सिमम स्ट्रेच और कॉन्टेक्ट करें, ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवेंटीन एटीन नाइनटीन एंड ट्वेंटी। रिलैक्स एंड रिलीज करें दोनों हाथों को। अगले अभ्यास के लिए एक हाथ से मुट्ठी बनानी है, दोनों नीज के बीच में मुट्ठी को रखना है, दंडासन नहीं बैठेंगे, मुट्ठी बना के दोनों आपके नीज के बीच में रखेंगे, ठीक है। बैक स्ट्रेट रहेगा, दूसरा हाथ फ्लोर पे रहेगा। इनहेल करना है, इनहेल करते हुए दोनों नीज को पुश करना है मुट्ठी पे, एक्सहेल करते हुए रिलैक्स करना है। दोनों नीज से आपके दोनों नीज है उसके बीच में मुट्ठी रहेगी, तो इनहेल करते हुए मुट्ठी को पुश करना है, एक्सहेल करते हुए रिलैक्स करना है, ठीक है। चलिए अभ्यास करेंगे, नीज को रखिए, दोनों नीज के बीच में मुट्ठी रखें, बैक को स्ट्रेट रखें, इनहेल पुश, नी को पुश करें, एक्सहेल रिलैक्स करें, थोड़ा सा एकदम खोल नहीं देना है, खाली थोड़ा रिलैक्स करना है। इनहेल पुश टू थ्री फोर फाइव सिक्स, प्रेस करते हुए वन सेकेंड टू सेकेंड रखना है, तुरंत छोड़ना नहीं है। सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवेंटीन एटीन नाइनटीन एंड ट्वेंटी। रिलीज एंड रिलैक्स, दोनों हाथ अपने हिप के बाजू में दंडासन की पोजिशन में ही बैठेंगे। इनहेल करते हुए फुट को डाउन करना है, मैक्सिमम स्ट्रेच, एक्सहेल करते हुए अपनी तरफ टो को खींचना है, नी कैप को नीचे की तरफ पुश करेंगे। जब भी आप अपनी तरफ टो को लाएंगे, नी कैप को नीचे की तरफ पुश करेंगे, ठीक है। इनहेल स्ट्रेच योर फुट डाउन, एक्सहेल अपनी ओर, इनहेल डाउन वन टू थ्री, काउंटिंग के साथ ब्रीथ के साथ, फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन, ब्रीद और काउंट को कनेक्ट करते हुए करेंगे, फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवेंटीन एटीन नाइनटीन एंड ट्वेंटी। रिलीज एंड रिलैक्स, दोनों फुट से सर्कल करेंगे इसी पोजीशन में, इनहेल करते हुए डाउन, एक्सहेल करते हुए अप, दोनों पैर से दोनों फुट से, बैक स्ट्रेट रहेगा,
इनहेल डाउन एक्सहेल अप, पूरा एंकल स्ट्रेच करना है। जब आप डाउन करते हैं तो आपकी जो लिटिल फिंगर है लास्ट वाली वो नीचे टच होनी चाहिए, पूरा स्ट्रेच करना है। अदर साइड टच एंड अप स्टार्ट। वन इनहेल एक्सहेल के साथ, टू लिटिल फिंगर को टच करने की कोशिश करें जमीन पे दोनों तरफ, थ्री फोर पूरा एंकल स्ट्रेच करें, फाइव सिक्स सेवन एट नाइन एंड टेन। रिवर्स करेंगे, इनहेल एक्सहेल, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन एंड टेन। रिलैक्स, दोनों पैरों में थोड़ा सा डिस्टेंस करें, शोल्डर लेवल डिस्टेंस करें। इनहेल करते हुए दोनों टोज को इनसाइड फ्लोर पे टच करना है, दोनों टोज साथ में टच होने चाहिए फ्लोर पे। एक्सहेल करते हुए आउटसाइड, इनहेल डाउन एक्सहेल आउटसाइड, इन एंड आउट करना है, टोज नीचे टच होने चाहिए साथ में फ्लोर पे। स्टार्ट, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। रिलीज एंड रिलैक्स, बटरफ्लाई में आ जाए। बटरफ्लाई जिसको नी पेन क्रॉनिक ज्यादा है वो बटरफ्लाई अंदर नहीं लेंगे, बाहर ही रखेंगे, आगे रखेंगे। नी पेन है वो अंदर की तरफ लेग्स नहीं लेंगे, बाहर रखेंगे। ठीक है, दोनों हाथों से फिंगर इंटरलॉक करके नीचे रखना है, बैक को पूरा स्ट्रेट रखेंगे, बैक स्ट्रेट, आपका चेस्ट आपका लंग्स स्ट्रेच होने चाहिए, स्ट्रेट ऐसे नहीं बैठना है, पूरा स्ट्रेट। ठीक है, बटरफ्लाई स्टार्ट करेंगे। बटरफ्लाई में नी को नीचे की तरफ पुश करके टच करके ऊपर लाना है, ट्राई करें। वन टू फर्स्ट ट्राई करें, नीचे टच होके ऊपर आए, थ्री फोर फाइव नीचे टच करने की कोशिश करें, ऊपर के ऊपर ही नहीं, नीचे स्ट्रेच करें पूरे लेग को, स्ट्रेच, यस वेरी गुड, कम ऑन स्ट्रेच करें, नीचे के नीचे, ऊपर के ऊपर ही नहीं, नीचे से ऊपर, तितली को उड़ाना है, कम ऑन कम ऑन कम ऑन। ठीक है, इनहेल करेंगे, एक्सहेल करते हुए दोनों लेग को नीचे की तरफ स्ट्रेच करेंगे, पूरा बैक स्ट्रेट रखेंगे, एल्बो स्ट्रेट, आपका जो थाई है और आपका नी नीचे की तरफ स्ट्रेच करेंगे, एल्बो स्ट्रेट बैक स्ट्रेट स्ट्रेच करें, वन टू थ्री फील करें स्ट्रेच को, फोर नीचे ही रखना है, ऊपर नहीं लाना है, ऊपर नहीं लाना है, फाइव सिक्स ऊपर नहीं लाना है कविता जी, नीचे की तरफ ही स्ट्रेच करना है, सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन एंड ट्वेंटी। रिलैक्स, इसी पोजीशन में दोनों हाथों को नीज पे रखें, इनहेल करें, एक्सहेल करते हुए अपर बॉडी को थोड़ा सा फॉरवर्ड लाए और नी को नीचे की तरफ पुश करके होल्ड करें, दोनों हाथों से नी को पुश करके होल्ड करें, थोड़ा सा फॉरवर्ड बेंड आए आगे, वन टू थ्री फोर लेग को नीचे की तरफ स्ट्रेच करें, फाइव सिक्स सेवन एट नाइन एंड टेन। रिलैक्स एंड रिलीज, दोनों लेग सामने की ओर दंडासन में लेके जाए, दोनों हाथों से स्ट्रेच करें स्पाइन को, दोनों हाथ ऊपर, स्पाइन स्ट्रेच, इनहेल दोनों हाथ कान को टच,
एक्सहेल करते हुए लोअर बैक से नीचे आए, अपने फुट को होल्ड करें जितना होता है करें, बैक पेन अगर क्रॉनिक है तो आगे झुके नहीं, वन क्रॉनिक बैक पेन वाले आगे नहीं झुकेंगे, टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन एंड टेन, रिलैक्स एंड रिलीज, लाई डाउन ऑन योर मैट, बैक के ऊपर सो जाए अपनी मैट पे, लाई डाउन ऑन योर बैक, मैट के ऊपर सो जाए, शवासन का अभ्यास करेंगे, पूरे बॉडी को रिलैक्स छोड़ दे, लूज छोड़ दे, दोनों पैरों में मैट की जितना डिस्टेंस, टोस आउटसाइड हील इनसाइड, आपकी दोनों पाम्स ऊपर की ओर अपवर्ड, हथेलियां ऊपर की ओर खुली, पूरा फोकस अपनी ब्रीथ के ऊपर लाए, डीप इनहेल, स्लोली एक्सहेल, डीप इनहेल, स्लोली एक्सहेल, अपने श्वास और प्रश्वास के ऊपर फोकस बनाए रखें, धीरे धीरे लंबी गहरी सांस ले, धीरे धीरे सांसों को बाहर निकाले, अपने पूरे बॉडी को माइंड को रिलैक्स करें। आज के योगाभ्यास के माध्यम से आपके शरीर में जो भी बदलाव चेंजेस आए हैं उसे फील करें, जहां पर भी स्ट्रेच स्ट्रेंथ हुआ है, जो भी मसल्स पे स्ट्रेंथ और स्ट्रेच का असर हुआ है उसे फील करें, अपनी मसल्स की स्ट्रेंथिंग और स्ट्रेचिंग पे फोकस करें। आज के योगा अभ्यास के माध्यम से आपके बॉडी में एक संतुलन प्राप्त हुआ है, एक सहज पॉजिटिविटी स्थापित हुई है, उसे आप अनुभव करें। इस पॉजिटिविटी को अपने मनोमस्तिष्क में, अपने पूरे अंतःकरण में स्थापित होने दें। शांत स्थिति, सहज मन, सरल मन, relax your toe, relax your bottom of the feet, relax your ankle, relax your calf, relax your knee, relax your thighs, relax your hips, relax your lower abs, relax your upper abs, relax your chest, moving on your back, relax your lower back, relax your upper back, relax your shoulders, relax
हैंड, रिलैक्स योर फिंगर, रिलैक्स योर पाम, रिलैक्स योर रिस्ट, रिलैक्स योर आर्म, रिलैक्स योर नेक, रिलैक्स योर जॉ, मूविंग ऑन योर फेस, रिलैक्स योर होल फेस मसल, नाउ होल्ड योर एंटायर बॉडी एंड योर माइंड इज रिलैक्स स्ट्रेट, योर माइंड एंड योर बॉडी इज कंप्लीटली रिलैक्स, यू फील फ्रेश and relaxed. You enjoy with the relaxation, complete relaxation. मंत्रस उच्चार करेंगे, हर एक मंत्र को 3 बार रिपीट करेंगे, आंखें बंद ही रखनी है, डीप इनहेल करना है एंड लाउडली मंत्र चैंट करना है. फर्स्ट मंत्र अ, खाली अ का उच्चार करेंगे, नॉट ओम, खाली अ, डीप इनहेल एंड स्टार्ट. डीप इनहेल लास्ट टाइम इनहेल और सेकेंड मंत्र आ, मंत्र उच्चार के साथ जो भी आपके शरीर में वाइब्रेशन उत्पन्न हो रहे हैं उसे फील करना है, रिलैक्स करना है. सेकेंड मंत्र आ, डीप इनहेल आ, इनहेल लास्ट टाइम इनहेल थर्ड मंत्र ऊ, खाली ऊ का उच्चार करेंगे, डीप इनहेल ओ, इनहेल लास्ट टाइम इनहेल ओ, फोर्थ मंत्र लम, ल म, एल एम, लम, डीप इनहेल ला,
इनहेल लॉन्ग इनहेल लॉन्ग लास्ट ओम इनहेल इनहेल Last time, inhale. Shanti, Shanti, Shanti. Hari Om. अपने अंदर के वाइब्रेशंस को फील करें, जो भी बदलाव आए हैं उसे अनुभव करें। दोनों पाम्स को तेजी से रफ करें, रब योर बोथ पाम्स। मसाज योर फेस, टर्न ऑन अ लेफ्ट साइड, धीरे से लेफ्ट साइड टर्न हो जाए। उठ कर बैठ जाए। थैंक यू। नमस्ते ऑल ऑफ यू। कल मिलेंगे।